गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आशा, मेरे गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपके प्लांट में कैल्शियम और आयरन की कमी हो गई है तो उसको दूर कैसे करें और पहचान क्या है। ये देखिए, पहचान है ये पत्तियों का कलर लाइट हो जाना। ये जो पत्तियाँ हैं ये लाइट कलर की हो गई हैं, यही पहचान है। इससे प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है अचानक से। तो चलिए और दिखा लेते हैं, तब हम बताते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, ये गुड़हल का प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए लाइट कलर की हो रही हैं, इस पर लग रहा है जैसे नसें दिख रही हैं। ये है, अक्सर हाइब्रिड प्लांट में होता है, जो हाइब्रिड गुड़हल वगैरह होता है उसमें प्रॉब्लम ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और चलिए आपको दिखा लें, तब आपको ट्रीटमेंट बताते हैं ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी। और ये देखिए, पत्तियों का कलर लाइट कलर हो गया है, यहीं देसी डार्क कलर में है। और हाइब्रिड देखिए, ये पत्तियाँ बर्न होने लगती हैं, लाइट कलर की होने लगती हैं, प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है और अचानक से प्लांट ऐसे ही होता रहेगा, वाइट होता रहेगा और पत्तियां बर्न होते होते अचानक से प्लांट डेड कर जाता है। तो उसका समय रहते इलाज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने भी मेरे हाइब्रिड हैं सब में ये लगभग समस्याएँ हो रही हैं। चलिए तो और दिखा लेते हैं, तो फिर हम बताते हैं। ये देखिए, ये भी गुड़हल है, इसकी भी दशा बुरी है। ये देखिए, ये गुड़हल है और एक जोड़ा देखिए, एक जोड़ा में भी वही है, पत्तियाँ हल्की कलर की हो जा रही हैं। इसमें देखिए पत्तियाँ मुड़ने लगेंगी, बर्न होने लगेंगी और पत्तियों का कलर अजीब सा हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा और धीरे धीरे पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है, फूलों का साइज़ छोटा होता है। ऐसे ही कुछ दिन रहा तो प्लांट बहुत जल्दी मर जाते हैं। देखिए, पूरी पत्तियाँ ये झाड़ चुका है, ऐसा ही कुछ दिन रहा तो ये सब डेड हो जाएंगे। कैल्शियम और आयरन की कमी होने का विशेष कारण ये होता है, जब मिट्टी अपना एसिडिक लेवल खो देता है उसके कारण भी हो जाता है। नहीं तो मिट्टी में अधिक समय तक पानी का अगर रुका रहा उसके कारण भी होता है, या तो मिट्टी में अधिक फर्टिलाइज़र हो जाए उसके कारण भी ये होता है। तो हर चीज़ कोई किसी भी चीज़ की अधिकता देखिए बेकार होती है, तो इस चीज़ को सही करने का मेरे पास उपाय है, रामबाण इलाज है जिसकी कोई काट नहीं है। और उससे 100% गारंटी देती हूँ कि आपका ठीक हो जाएगा। अगर उसको आप मिट्टी में गाड़ देंगे तो धीरे धीरे असर करेगा, अगर उसका लिक्विड बनाकर हर तीसरे दिन देंगे तो और फास्ट ग्रो करेगा, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं कभी मिट्टी में डाल देती हूँ, नहीं तो मिट्टी में गाड़ देती हूँ, नहीं तो लिक्विड बना के डाल देती हूँ, ये कर देती हूँ। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या है वो, मेरी वीडियो पर ऐसे बने रहिएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये फिटकरी का टुकड़ा है, मैं इतना बड़ा ले आई हूँ और मुझे सारे प्लांट पे अपने डालने हैं। जो भी मेरे प्लांट ख़राब हो रहे हैं, अगर समय रहते मैं नहीं डालूँगी तो मेरे प्लांट सब ख़राब हो जाएंगे। तो इसका मैं लिक्विड भी बना के डाल सकती हूँ और मिट्टी में गाड़ भी सकती हूँ। मिट्टी में गाड़ना हो तो बताते हैं कैसे गाड़ेंगे। ये देखिए, इतना बड़ा टुकड़ा लेंगे और इसमें खूब अच्छे से इसको दबा देंगे जड़ों के पास, और जब जब आप पानी डालेंगे तब तब ये थोड़ा थोड़ा गलेगा और अपना असर इसमें दिखाता रहेगा। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ फ्रेंड कि आपका प्लांट एकदम सुधर जाएगा। और नहीं तो अगर ये नहीं उपाय करना है तो मेरी एक वीडियो पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, उस पर भी मैंने एक बताया था कैल्शियम और आयरन की कमी हुई थी उसको सही करने के लिए, तो मैंने ये भी तरीका बताया था, तो उसको भी आप देख लीजिए। आपको जो पसंद आए आप वो करिएगा। इसको आप एक बार दबा के तो देखिए ना, आपका प्लांट सही हो जाए तो फिर कहिएगा। अगर आपका प्लांट सही हो जाएगा तभी आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट शेयर तभी करिएगा। आप एक बार वो करके देखिए, तो मैं ऐसे करके सब में डाल दूँगी एक एक करके। तो चलिए फ्रेंड, ये देखिए क्या हो गए हैं मेरे, ऐसे देखिए कितना सारा मैं इतना सारा डाल रही हूँ। और इसको मिट्टी से मैं कवर कर दूँगी ताकि जब भी मैं पानी डालूँगी तो धीरे धीरे ये गलेगा और जड़ों में जाके वो करेगा तो सही हो जाएगा मेरा प्लांट। देखिए पानी भी डाल दे रही हूँ। ये मिट्टी को एसिडिक करता है, अब बहुत जल्दी आपके प्लांट की जो ग्रोथ रुक गई है
ये पत्तियाँ पीली होने के कारण वो बहुत जल्दी ही सुधार आ जाएगा इसमें। तो फ्रेंड प्लीज़ आप समय रहते कर दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट मरने से कोई नहीं बचा पाएगा अगर समय रहते आपने ये नहीं किया तो। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरी वीडियो को आप देखिए और समय रहते उसका इलाज करिए। देखिए क्या दशा हुई है, ये देखिए कलर देखिए। इसको कर देंगे ना तो बहुत फास्ट ग्रो होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको पहचान बता भी दिया और प्लांट भी बता दिया कि आप किन किन प्लांट में डाल सकते हैं। जिस भी प्लांट की आपको पत्तियां अगर दिखती हैं कि लाइट हो गई, ओरिजिनल कलर उनका गायब हो गया है प्लांट की, किसी भी प्लांट की ओरिजिनल कलर अगर गायब हो गया है तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट करिए, वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएंगी। देखिए ये हाइब्रिड विंका है, इसका भी वही दशा हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें भी अभी हम फिटकरी को क्या करेंगे कि हम बारीक कभी इसको पीसेंगे, अब पीसने के बाद सब में डाल देंगे और कुछ टुकड़े दबा देंगे, ऐसे करेंगे तो जल्दी कवर कर जाएगा। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा फ्रेंड, सपोर्ट करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।